ये तो ओजस की आवाज है ना। आई होप आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। मैं ऐसा इंसान हूं जो बराबरी और इंसाफ पे भरोसा रखता है, इसलिए मैंने सोचा आप सबको मैं एक मौका दूं। मौका यह है कि एक तरफ से आप मुझे कुछ दीजिए और मैं इधर से आपको आजादी दूंगी। आप सब में से अगर कोई भी मुझे बताता है कि सीएम कहां है या फिर एक छोटा सा भी हिंट मुझे दे पाता है तो मैं उसे आजादी दूंगा। बहुत ही सिंपल ऑफर है आप सबके लिए, आप मुझे सीएम का पता बताइए और बदले में आजादी पाइए। मेरे दोस्तों अब लोग खुद सोचिए, आप सबके साथ यहाँ क्यों फंसे हैं? उसी सीएम की वजह से। नहीं, अगर वो यहाँ नहीं होती तो आप लोग नहीं फंसते, सही कह रहा हूँ या नहीं? तो इस मौके का फायदा उठाइए और अपनी आजादी ले लीजिए। लेकिन 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 इसमें मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त यह है कि आप सबके पास है सिर्फ 10 मिनट। अगर 10 मिनट के अंदर आप मुझे बताते हैं कि सीएम कहाँ है तो मैं आप सबको आजादी दूंगा। सभी को आजादी दूंगा, कोई एक मुझे बताएगा और सबको आजादी। और अगर 10 मिनट के अंदर आपने मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ है तो मैं पागल हो जाऊंगा और पागलों जैसी हरकत करने लगूंगा। मैं एक एक करके आप में से सभी को मार दूंगा। जी हाँ, when I say this, I mean bloody business. लक्ष्मी, कैसा इंसान है वो जिस अपने मतलब के लिए ये सब कुछ कर रहा है? इतना नीचे गिर जाएगा सोचा भी नहीं था मैंने। कसूर लोगों को मारने की धमकी दे रहा है, कितना गिरा हुआ इंसान है। इंसान नहीं है, हैवान है, शैतान है, बहुत बड़ा शैतान है। इसको तो सजा मिलनी चाहिए, बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलेगी उसे और उसे सजा मैं दूंगा, लेकिन जो करना है सिर्फ 10 मिनट में करना होगा। सिर्फ 10 मिनट ही है हमारे पास। शालू, आयुष, तुम दोनों एक काम करो, मैम को लेके 5th फ्लोर की सुइट में जाओ, वहां पर ये सेफ रहेंगी, वहां कोई नहीं आ पाएगा इनके पास। और मैम आप एक बात का ध्यान रखिए, आप किसी से भी नहीं मिलेगी, किसी से भी नहीं, कोई कोई नॉर्मल इंसान, कोई सिविलियन, किसी से भी नहीं मिलेगी। पर भाभी क्यों ऐसा क्यों करना है? ओजस की चाल की वजह से। ओजस की चाल, यही तो करने की कोशिश कर रहा है वो सब लोगों के दिलों में डर भर रहा है ताकि सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचे, यही कर रहा है वो यही चाहता है। वो चाहता है कि हर इंसान बस अपनी जान के बारे में सोचे, और जान की परवाह किसको नहीं होती है, सब अपने आप को बचाने के बारे में सोचेंगे और कोई भी मैम के बारे में नहीं सोचेगा, और मैम को नुकसान पहुंचाना चाहेगा और चाहेगा कि मैम उनके हवाले हो जाए। समझे तुम लोग? हाँ, चला के याद नहीं, अब सबके दिमाग से खेल रहा है।